आज हम आले की आयत नंबर तीस का तर्जमा और तफसर पढ़ेंगे

जो नेकी उसने की थी उसे अपने सामने पाएगा और माँ अमिलत मिनसून वाह और माँ जो आमिलत उसने की थी मीन सू बुराई और जो कुछ उसने बुराई की थी जिस दिन हर नफ्स जो नेकी उसने की थी उसे अपने सामने पाएगा और जो उसने बुराई की थी उसे भी अपने सामने मौजूद पाएगा तवदो लो अन्न बेन हा बेन हुआ अमदम बीरा वो तो तमन्ना करेगा लव काश अन्ना के बहना उसके दरमियान होती हु और उस दिन के दरमियान में होती अमदन मुद्दत बईदा बहुत लंबी वो तमन्ना तो करेगा कि काश उसके दरमियान और उस दिन के दरमियान मुद्दत दराज हायल होती जिस दिन मौजूद पाएगा हर नाफ़ जो की थी उसने देखी अपने सामने और जो कुछ की थी उसने बुराई तमन्ना करेगा काश उसके दरमियान और उसके और उस दिन के दरमियान हायल होती मुद्दत दराज मुद्दत दराज यानी लंबा अरसा वाह यु खेरो वाह और यु डराता है कुम तुम्हें अल्लाह अल्लाह नफ्सू अपने से यानी अपने अजाब से और तुम्हें अल्लाह अपने अजाब से डराता है राऊफ बिल इबाद वाह और अल्लाह अल्लाह तऊफ बहुत मेहरबान है बिल इबाद बंदों से अपने बंदों पर और अल्लाह बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर और अल्लाह तो मैं डराता है अपने अजाब से और अल्लाह बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर जिस दिन मौजूद पाएगा हर नफ्स जो उसने नेकी की थी अपने सामने और जो उसने बुराई की थी उसे भी अपने सामने मौजूद पाएगा तमन्ना तो करेगा का कि काश उसके दरमियान और इस दिन के दरमियान मुद्दत दराज हायल होती और अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से डराता है और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है ये आयत नंबर उनतीस है आयत नंबर अट्ठाईस में हमने पढ़ा था उसमें भी अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई थी कि अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात से यानी अपने अजाब से डराता है और फिर उस आयर नंबर अट्ठाईस के एंड पर अल्लाह ने फरमाया था वह मसीर के अल्लाह ही की तरफ तुमने लौट कर जाना यानी क्या मत के दिन ठीक है तो अल्लाह ताला मजीद उस दिन के बारे में बता रहा है कि क्या मत का दिन वो दिन होगा कि इंसान ने जो दुनिया में अमाल किए हैं अच्छे या बुरे उन सब को अपने सामने मौजूद पाएगा ठीक है उसके मुंह को बंद कर दिया जाएगा उसके हाथ उसके पांव उसके खिलाफ गवाही देंगे कि इसने हमारे साथ चल कर ये बुराई की है इसने हमारे साथ ये बुराई की है तो जो इंसान नेकी करेगा बुराई करेगा ये तो हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि क्या मत के दिन वो सामने उसके मौजूद होगी कोई उसके लिए राह फरार कोई बहाना कोई हीला नहीं होगा तो उस दिन फिर आदमी अगर नेकी नहीं करेगा बुराई करेगा तो फिर वो तमन्ना करेगा कि काश इस ये दिन जो है ना ना आता मुझ पर या काफी तवील अरसे बाद आता इसी का मतलब है कि वो तमन्ना करेगा कि काश उसके दरमियान और उस दिन के दरम्यान मुद्दत होती यानी लंबे अरसे तक ये दिन में मुझे ना देखना पड़ता तो कितना अच्छा था जो दिन में भी देख रहा हूँ ठीक है दुनिया में तो उसने रह कर कभी गुनाहों की दलदल में फंस कर ये नहीं सोचा था कि ये दिन करीब है लेकिन जिस दिन अल्लाह के सामने पेश होगा तो फिर वो पछताएगा और तमन्ना करेगा लेकिन जाहिर है फिर उस वक्त की तमन्ना का क्या फायदा ठीक है तो अल्लाह तारा बता रहा है कि अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है वो अपने गजब से डराता है इसीलिए डराता है कि ताकि तुम दुनिया में नेक अमल करो हम लोग गफलत में मुबतलाएँ सुस्ती और काहली में मुबला है दुनिया के हर काम में हम बहुत आगे हैं बहुत तेज हैं लेकिन अल्लाह को मनाने के लिए हम हमेशा सुस्ती करते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते नेक कमाल नहीं करते अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश नहीं करते ठीक है अल्लाह ताला ये हमें मौका देता है बार बार अपने अजाब से हमें डराता है ताकि मेरे बंदे तोबा कर लें क्यों देता है अल्लाह ने देखिए वजह खुद बयान फरमा दी है कि अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है वो डराता है इसलिए कि ताकि मेरे बंदे डर जाए मेरे गजब से ठीक है क्या मत के दिन तो फिर वो मेरे अदल की वजह से जानम में जाएंगे अगर उन्होंने बुरे अमाल किए हैं क्योंकि उसकी जात अदल इंसाफ करने वाली है बुराई कर पर वो अजाब देगी और नेकी पर वो शवाब देगी लेकिन वो चाहता है कि मुझसे डर जाए दुनिया में डर कर नेक अमाल करें ईमान लाए अमाल साल करें और मेरी को हासिल करें ठीक है तो हमारा एक बच्चा होता है हमारा बच्चा जो चीज उसके लिए खतरनाक हो हम उसे डराते हैं कि देव बेटा इसको छूना नहीं है इससे करीब नहीं हो जाना ये हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक है तो हम उसको इसीलिए डराते हैं कि वो हमें महबूब होता है वो हमें प्यारा होता है हम चाहते हैं कि वो तकलीफ में मुबतला ना हो तो इसलिए उस चीज को डराने में हम उस चीज से डराने में हम उसके लिए मुबालगा करते हैं कि देखो इसके करीब ना हो जाना ये हो जाएगा जैसा कि बिजली के हमारे यहाँ ये जो बोर्ड होते हैं प्लग होते हैं बच्चों को हम कहते हैं नहीं 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 इनके करीब नहीं जाना ठीक है ये होगा वो होगा क्यों ये नहीं कि हमें उनके साथ मोहब्बत नहीं होती बल्कि ये मोहब्बत ही होती है कि हम उन्हें डरा रहे होते हैं कि अगर जाओगे तो नुकसान उठाओगे तो इसीलिए तरह अल्लाह को भी अपने बंदों से मोहब्बत है कि वो हमें अपने अदाब से डराता है ठीक है ताकि बंदे डर जाए मेरी बारगाह में तोबा कर लें और मेरी रहमत मेरे करम और मेरे फजल को असर कर सकें तो हमें अल्लाह की बारगाह से डरना चाहिए ये दुनिया में मौका है हम अल्लाह को मना लें फिर आंखें बंद होंगी कब्र की मट्टी हमारे ऊपर होगी तो फिर कोई मौका नहीं होगा फिर हम पछताएंगे फिर हर गुनागार ये तमन्ना करेगा कि लोअल्लाम बही नहा बहन बहीदा कि काश इस दिन के दरमियान और मेरे दरमियान मुद्दत दराज मुदतराजल होती लेकिन जो हो चुका वो हो चुका अब चला गया तो उसने वापस नहीं आना ठीक है इसलिए दुनिया में इंसान के लिए नेकी करना और नेक बनना बहुत जरूरी है मुसलमान के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है नेकी नहीं करेगा तो दुनिया में भी सुकून से नहीं रहेगा और आखरत में भी सुकून से नहीं रहेगा नेकी करेगा तो दुनिया में भी सुकून से रहेगा उसका दिल मतम रहेगा और आखरत में भी सुकून से रहेगा ठीक तो अल्लाह हमें इसीलिए डराती है कि उसे अपने बंदों से प्यार है कि मेरे बंदे अजाब के मुस्तक ना हूँ बल्कि मेरे सवाब और मेरी जन्नत के मुस्तक हूँ जी माशा सर जी अल्लाह पाक आपको खुश रखे मेरा सर जी आज आपसे एक क्वेश्चन है हो सकता है इस आयत के मुताबिक ही मतलब की हो या इससे के भी हो सकता है बंदा नेकी तो करता है सर जी हर इंसान करता है एक बंदा सर जी बार बार तोबा करता रहे करता है, चाहता है या वो नहीं तोबा भी रोज करता है सजा तो उसको मिलेगी इसको शरीय में पसंद नहीं किया गया कि जिस गुनाह से हम तोबा कर रहे हैं दोबारा वही करें लेकिन हर इंसान की ये फितरत होती है कि जो ये जो गुनागार हो या जिसके दिल में खौफ खुदा होता है किसी तक कि ये वो गलती करके अल्लाह से माफ़ी मांगता है लेकिन फिर वो दोबारा उससे गलती हो जाती है ठीक है अल्लाह ताला का फूल रहीम है माफ फरमाएगा बंदे का काम है अल्लाह के से अपने गुनाहों की माफी मांगना और गुनाहों से बाद आ जाना जो नहीं आ सकता तो उसका मामला अल्लाह के सपोर्ट है बहरल इस्लाम की जो तलीमत है वो तो यही कहती हैं कि गुनाह से अगर तोबा कर लें तो फिर वो गुनाह छोड़ दें आइंदा उससे करीब भी ना जाए लेकिन होते हैं लोग अपने फितरत से मजबूर कि भी करते हैं बाद में काम करते हैं। तो नहीं करना चाहिए इसका गुना मिलता है आपको जी इसका गुना होता है सख्त सख्त गुना होता है एक बंदे के ऊपर सर जी बहुत सारी परेशानियां मुसीबतें तकरीबन एक टाइम में भी आ सकती है आपकी भी है उसका कोई हल है हमारे पास तोबा करनी अल्लाह तला से माफी मांगनी मगर ये जो मुसीबतें एक टाइम पे या परेशानिया एक टाइम पे बंदे के मुफ्त तरीकों से हर चीज जैसे आपने सुना होगा काफी दफा कि आज कल मैं अगर सोने को भी हाथ लगाऊ तो वो मट्टी और हल क्या है अल्लाह की बारगाह में तोबा है उसकी तरफ रुजू हल है इसके अलावा और तो कोई हाल नहीं और यही सारी ये सारी अल्लाह तला अल्ला की तरफ से आती है ये तो ठीक है बंदे के अपने माल होते हैं उस वजह से आती है ये भी मानता हूँ मगर सर जी ये आ सकती है ऐसे इसका हल हो ये इसको लगाया जा सकता है कि ये अल्लाह तला अल्ला की तरफ से आ रही है क्योंकि को, कोई काम गलत हो रहा है ये तो असबाब होते हैं उसका कोई एक सबब नहीं होता कि मैं एक कहूँ की एक है मुख्तल अजमाश के लिए भी होती है हमारे अमान के नतीजा भी होता है ठीक है पर जब आए तो इंसान को तोबा करनी चाहिए और अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए ठीक है तोबा वो जरिया है जिसकी वजह से कोई भी मुसीबत टल सकती है अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो तो देर नहीं लगती टलने ठीक है सर जी अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी जो कुछ भी आज आपने पढ़ा सुना है उस पर अमल करने की सुमा तो आमीन